हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ आसाम के एक नर्सरी, छोटा सा नर्सरी विजिट शेयर किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस नर्सरी से कौन कौन से प्लांट खरीदे और कितने में खरीदे दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी गुलदाउदी यानी क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम के मैंने 3 पीस लिए है और पर पीस मुझे पड़ा है 30 रुपीज पे। और सेकेंड ये देखिए मैरीगोल्ड का मैंने 5 पीस ली है, 1 पीस मैंने वीडियो में दिखाना भूल गई और पर पीस मुझे पड़ा है 20 रुपीज। और नेक्स्ट ये देखिए कलौंची, कहीं लोग इसे कलम कोई भी कहते हैं। मैंने ये ऑरेंज और रेड कलर के सोच के लिया है, पर फिलहाल कलर का तो पता नहीं। और मैंने ये 3 पीस ली है और पर पीस मुझे पड़ा है 30 रुपीज। और नेक्स्ट आ गया ये पिटूनिया। मैं यही कलर का पिटूनिया ढूंढ रही थी, मुझे ये थोड़ा यूनिक लगता है। ये मैंने 3 पीस लिए है और पर पीस मुझे पड़ा है 20 रुपीज पे। और पिटूनिया के बगल में है ये जरबेरा। जरबेरा में ये येलो कलर का सोच के लाई हूँ, पर फिलहाल कलर का मुझे इतना खास पता नहीं चल रहा है। मैंने ये 1 ही पीस ली है और मैंने ये खरीदा है 50 रुपीज पे। और जरबेरा का नेक्स्ट में है ये सेकुलेंट प्लांट, मैंने 2 ली है, एक ये कैक्टस सेकुलेंट और दूसरा ये डोंकी टेल ली है। और मुझे ये पड़ा है पर पीस 50 रुपीज़ पे। सेकुलेंट मुझे काफ़ी सस्ते में मिला है। और ये भी एक सेकुलेंट है, ये हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगता है। थोड़े ग्रो होने के बाद मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। ये भी मुझे 50 रुपीज़ पे मिला है। तो ये था मेरी आज की ख़रीदारी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ विंटर प्लांट थोड़ा देर से मिलता है, क्योंकि यहाँ के नर्सरी वाले जो है खुद प्लांट बहुत कम ग्रो करते हैं, बाकी पुणे और अलग अलग स्टेट से खरीद कर हमारे यहाँ पे सेल करते हैं। पर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि हम मार्च तक विंटर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद ये सभी प्लांट के अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी मेरे चैनल पर, ऐसे ही बने रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।